अज का विषय अश्वगंधा की जड़ी बूटी ते है पर है जिसे बहुत ज़्यादा फायदे ने और फायदे भी इस प्रकार ने हैं ते जानिए फायदे कौन कौन से हैं। नंबर एक, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, मोटापे नु कम करता है, शरीर क्षमता बढ़ाता है, ब्लड शुगर लेवल नु कम करता है, टेस्टोस्टेरोन और मेल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, स्किन और बालों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। हुण इहदे आपां इहनूं अग्गे किदां इस्तेमाल करना है तुहानूं उहदे बारे की जानकारी मैं देण वाला हाँ, तो मेरे नाल बने रहो और वीडियो स्किप ना करना, वीडियो लगातार देखना जिन्ना तुहानूं समझ आए। अश्वगंधा की है? अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है। अश्वगंधा की पहचान की है? और कई ये पहचान ये जे पत्ते हाथ से मसलोंगे तो ये घोड़े जे पेशाब वर्गी गंध आएगी और यदि गंध आती है अश्वगंधी ताजी जड़ तो यह गंध अति तेज होंगी है। वन में पाए जाने वाले पौधे की तुलना में खेती में माध्यम से उगाई जाने वाले अश्वगंधा की गुणवत्ता अच्छी होती है। तेल निकालने के लिए वनों में पाए जाने वाला अश्वगंधा का पौधा अच्छा माना जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। छोटी अश्वगंधा, इसकी जड़ी छोटी होने से यह छोटी अश्वगंधा कहलाती है, लेकिन इसकी जड़ बड़ी होती है। राजस्थान के नागौर यह बहुत अधिक पाए जाते हैं, वहाँ के जलवायु के प्रभाव से यह विशेष प्रभावकारी होती है, इसलिए नागौरी अश्वगंधा भी कहते हैं। बड़ी या देसी अश्वगंधा, अश्वगंधा जिसको बोलते हैं, इसकी जड़ी बड़ी होती है लेकिन ये जड़ें छोटी और पतली होती हैं। यह बाग बगीचों खेत और पहाड़ी स्थानों पर सामान्य रूप में पाई जाती हैं। अश्वगंध से कब्ज गुणों की गुणवत्ता का होने से उसकी गंध कुछ घोड़े के पेशाब जैसी गंध स्मेल आती है और इसे संस्कृत में इसकी बाजी या घोड़े से संबंधित नाम रखे जाते हैं। इसे भाषाओं में जाना जाता है, हिंदी में इसे अश्वगंध, अश्वगंधा, पनीर और नागौरी अश्वगंध, इंग्लिश में विंटर चेरी, गुजराती में आसंद घोड़ा सोडा, तमिल में चुग दिग अमोकीरा अमुंग और इसे बंगाली में इसे अश्वगंधा कहते हैं, नेपाली में इसे अश्वगंधा, पंजाबी में अश्वगंध कहते हैं। अश्वगंधा के फायदे और बेनिफिट। अश्वगंधा का इस्तेमाल पत्ते इसके चूर्ण के लिए किया जाता है। कई रोगों में अच्छे रूप से लाभकारी अश्वगंधा का औषधीय इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए। यह पहला, एक सफ़ेद बालों के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही लाभकारी होता है। 2 से 4 ग्राम अश्वगंधा की चूर्ण का सेवन करें, इससे समय से पहले बालों के सफ़ेद होने से समस्या ठीक हो जाती है। इसे लगातार 3 से 4 महीने इसको करना ज़रूरी होता है और उसमें परहेज भी बहुत ज़रूरी होते हैं। खट्टी तली चीज़ें और ऐसी चीज़ों से आप परहेज रखें और ये आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए आपको 2 ग्राम अश्वगंधा, 2 ग्राम आंवला जिसे दात्री फल भी कहते हैं और 1 ग्राम मिलठी को आपस में मिलाकर पीसकर चूर्ण कर लें। 1 चम्मच चूर्ण की को सुबह और शाम पानी के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी में बढ़ोतरी होती है। तो ये है इसके दूसरे फायदे हैं, अश्वगंधा के बहुत और बहुत फायदे हैं। और आपके समय को देखते हुए यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में मैं फिर दोबारा इसके और उपयोग बताने आपके लिए पेश होऊंगा। इसलिए मुझे अब तक आप मुझे इजाज़त दें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो पर बने रहें और मुझे सहयोग दें, मुझे मोटिवेट करें और मैं आगे ऐसी वीडियो और बढ़िया से बढ़िया बना कर लेके आता रहूं जिससे आप सभी दोस्तों का भला हो सके। और जिसकी इसको नॉलेज है कृपया वो दूसरों को यह बताएं जिससे उनका भी यह भला हो सके। नमस्कार, जय श्री श्याम बाबा की जय।